नमस्कार, आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं, मैं हिमांशु। रुक करते हैं आज की ताजा खबर की। प्रदेश में कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के बाद मंत्रियों के नामों की घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन मेवाड़ से लगभग तय माने जा रहे कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर सीपी जोशी को मंत्रिमंडल के स्थान नहीं मिलने से कार्यकर्ता में जोरदार नाराजगी की है। पिछले दिनों मंत्रियों के नामों की घोषणा होने के बाद भी जोशी का नाम नहीं आने से नाराज राजसमंद के कार्यकर्ताओं ने नादवारा के एक निजी होटल में एक बैठक की और कांग्रेस आलाकमान द्वारा मेवाड़ का अपमान का आरोप लगाते हुए जोशी को उनके खत के अनुसार पद देने की मांग की। कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्यों ने बताया कि विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं की मेहनत से जिले की 4 सीटों में से 2 पर कांग्रेस अपना कब्जा जमा पाई, जबकि पिछले चुनाव में 4 सीटों पर भाजपा थी, लेकिन कांग्रेस के दिग्गज और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके डॉक्टर सीपी जोशी को स्थान नहीं दिया गया, जिससे कार्यकर्ता में निराशा बढ़ गई है। कई पदाधिकारियों ने तो आला कमान की इस चुप्पी के विरोध में अपने पद से इस्तीफा देने की पेशकश तक कर डाली। आज हमने जो निर्णय लिया है, हमारी भावनाएं आला कमान तक हमने पत्र के, टीवी के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से पहुंचाने का प्रयत्न किया है, और अगर फिर भी आला कमान या मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पायलट साहब अगर निर्णय नहीं करते और सीपी साहब को उचित ओहदे पे प्रतिष्ठित नहीं करते हैं, तो हम कार्यकर्ता हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बसों द्वारा दिल्ली कूच करेंगे, धरना देंगे, और वहीं हम सीपी साहब से आवेदन निवेदन करेंगे कि आप भीलवाड़ा चुनाव लड़ने नहीं जाएं। हम सब कार्यकर्ता उनके सामने खड़े हो जाएंगे कि आप कोई चुनाव आइंदा नहीं लड़े। पार्टी पदाधिकारी राजस्थान जिले के कांग्रेस के सभी पदाधिकारी आए हैं और उस प्रेस नोट में हमने यही निवेदन किया है भारत हमारे राहुल जी को, देश के हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, उनको निवेदन किया कि आप सीपी साहब को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दे में, तो जाकर के हम देश के अंदर कांग्रेस का झंडा वापस फहराएंगे और राहुल जी को हम